हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरु जी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे जो आपको कमेंट दिख रहा है, टॉप वाला कमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हमें तो 2 दिन पहले मेरे पास भाई ने कमेंट करा था और थैंक्स बोला था, तो उसका रिप्लाई देते समय दोस्तों मुझे ये वाला कमेंट फिर से दिखाई पड़ता है जो कि मैंने पहले भी देखा था और इसका कमेंट का रिप्लाई भी भाई को करा था। तो यहाँ पे गाइज मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था कि हो सकता है आपके मन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आए जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कमेंट में दिया गया है। तो आप यहाँ पर एक बार कमेंट को ज़रूर पढ़िएगा और यहाँ पे जो वीडियो था वो आप देख सकते हो। यहाँ पर वीडियो का आपको थंबनेल शो हो रहा है और वीडियो का टॉपिक भी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। लेकिन वॉच करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वो मेरी पुरानी वीडियो है, यानी कि दोस्तों वो हमारी ओल्ड वीडियो है। तो गाइज, उसके अंदर मैंने ठीक तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि गाइज उस वीडियो से ही रिलेटेड ये वाली वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाने वाला हूँ जो मैंने उस वीडियो के अंदर मॉडिफिकेशन करा था एक SMPS के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो हमारा 12 वोल्ट का अडेप्टर होता है, आप यहाँ पर कोई भी 12 वोल्ट के अडेप्टर का यूज़ कर सकते हो। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि आप कैसे सिर्फ 1 रुपये में या फिर दोस्तों फ्री में आप किसी भी अडेप्टर को जो कि 12 वोल्ट का है उसे 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए, यानी कि 14.5 वोल्ट जो आपकी बैटरी चार्जर में आउटपुट होते हैं आप एक 12 वोल्ट के अडेप्टर से भी आउटपुट ले सकते हो। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको मॉडिफिकेशन बताया है, लेकिन दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकली सिर्फ वोल्टेज चेक करके दिखाए थे, बट उसका एम्पियर चेक करके नहीं दिखाया था। तो उस क्वेश्चन की वजह से ही मैं आपके लिए ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि उस SMPS को जो कि मैंने मॉडिफाई करा था, मैं उसे यूज़ भी कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं उसे मैंने इस प्रकार से एक पैकिंग के अंदर पैक कर दिया। ये जो हमारा लैपटॉप का अडेप्टर होता है उसका मैंने कैबिनेट का यूज़ करा है और इसके अंदर मैंने उस SMPS को पैक कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी पावर इंडिकेशन के लिए LED को कनेक्ट करा है और आप SMPS को मैच कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी मैच करके देख लीजिए। ये सेम वही SMPS है जिसे मैंने मॉडिफाई करा था। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हमने करा था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने 22 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस का यूज करा था और इसे हमने 14 वोल्ट में कन्वर्ट करा है। तो इसको मैंने कम्प्लीट एक पैकिंग में पैक कर दिया था। हमारी DC आउटपुट है 14.5 वोल्ट और ये हमारी AC इनपुट की केबल है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसके प्रैक्टिकली एम्पियर चेक करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो अडेप्टर है, अगर हम किसी 12 वोल्ट के 2 एम्पियर अडेप्टर को इंक्रीज करके 14 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसका एम्पियर डिक्रीज हो जाता है या फिर नहीं, तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये जो हमारी SMPS है दोस्तों, ये हमारी 12 वोल्ट 3 एम्पियर की SMPS थी जो कि मैंने एक पुराने से अडेप्टर के अंदर से निकाला था। तो यहाँ पे मैंने इसका यूज़ करा है जिसे मैंने दोस्तों 14 वोल्ट में कन्वर्ट करा था। तो बिना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे गाइज इस अडेप्टर को मैं सबसे पहले यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ और इसके साथ जो भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए वो सभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 2 इस प्रकार से इंडिकेटर बल्ब का। तो ये आप सभी को पता होगा जो बाइक वगैरह के अंदर इंडिकेटर लगे होते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से 12 वोल्ट के बल्ब का यूज़ करा जाता है। तो ये मेरे पास 2 पीस हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो एक बल्ब है ये हमारा 12 वोल्ट और लगभग 1.5 एम्पियर यानी कि 1.5 एम्पियर के समथिंग में ये लोड कंज्यूम करता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारी 3 एम्पियर की SMPS थी और अगर 14 वोल्ट पर इंक्रीज़ करने के बाद इसके एम्पियर डिक्रीज़ होते हैं तो मैक्सिमम कितने डिक्रीज होंगे या फिर होते हैं या नहीं, ये सभी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आप इसके कनेक्शंस और इसकी टेस्टिंग को हो सकता है मिस कर दें। और साथ ही गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिख रहे ब्लैक या रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करिएगा जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी न्यू वीडियोज को सबसे पहले देख सकेंगे।
और दोस्तों, अगर आपको व्लॉग देखना है तो मैंने अभी रिसेंटली ही अपना एक व्लॉग का चैनल ओपन करा है। अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। चैनल का यहाँ पे नेम आपको शो हो रहा है, साथ ही उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर जाके दोस्तों सिंपली मेरे व्लॉग्स को चेक कर सकते हो। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इन दो बल्ब को साइड में रखते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए होंगे दो मल्टीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो मल्टीमीटर लिए हैं। दोस्तों मेरे पास इस समय यही दो मल्टीमीटर अवेलेबल हैं, आप किसी भी मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप मल्टीमीटर की जगह इस प्रकार का एक वोल्ट और एम्पियर मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइज, मैं आपको इससे भी टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर कोई भी फेक वीडियो को नहीं डालता हूँ। आप सभी को पता होगा इस प्रकार के जो डीसी वोल्ट एम्पियर मीटर आते हैं, इसमें पीछे एक प्रीसेट दिया होता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रीसेट का यूज़ करके हम किसी भी वोल्टेज और एम्पियर को मेज़र करते समय उसकी रीडिंग को कम ज़्यादा, यानी कि जो हमारी वोल्टेज होती है और एम्पियर उसके जो वैल्यू है उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मीटर का हम यूज़ कर सकते हैं, इसी वजह से मैं इस मीटर का यूज़ करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको थोड़े से कनेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी वोल्टेज आउटपुट होगी, इसे हम इस मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे और इस मीटर से हम एम्पियर चेक करेंगे। तो कनेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर जो पॉजिटिव निगेटिव है, इसे हम डायरेक्टली पॉजिटिव निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे ऑन करता हूँ SMPS को। यहाँ पे दोस्तों मैं मेन लीड को पावर सॉकेट में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और हम इसे ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर की इंडिकेटर आ चुकी है और यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हैं 14.5 वोल्ट यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लोड को लगाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हम सिंगल बल्ब का यूज़ करके पहले लोड चेक करेंगे। तो यहाँ पर लोड चेक करने के लिए, यानी एम्पियर चेक करने के लिए, हम यहाँ पर इसके कनेक्शन करेंगे मल्टीमीटर में एम्पियर मोड में सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर गाइज मल्टीमीटर को मैंने 10 एम्पियर डीसी पर सिलेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं प्रॉप को। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो हमारा नेगेटिव है, इसे हम डायरेक्टली जो हमारा इनपुट आ रहा है नेगेटिव, इसे हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, आप देख सकते हो नेगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद दोस्तों अब नेगेटिव हमें यहाँ से मिलेगा और जो पॉजिटिव है वो डायरेक्टली जो हमारी एडेप्टर से आउटपुट आ रही है सप्लाई, यहाँ से हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, ये हमें रेड में कनेक्ट करना है। आप यहाँ पर किसी भी वायर को किसी में कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको रैंडम चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, जो हमारी डीसी आउटपुट आ रही है 14.5 वोल्ट। और इसके बाद जो हमारा ये दूसरा वायर है, आप देख सकते हो, इसे हमें यहाँ पर इस वाले मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करना है। आप यहाँ पर कनेक्शन देख सकते हैं, कोई दूसरा कनेक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लगभग 1.5 के समथिंग एम्पियर लेता है। आप देख सकते हो 1.6 एम्पियर ले रहा है और दोस्तों वोल्टेज हमारी 13.97 वोल्टेज आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं 14.5 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद अब हम यहाँ पर दो लोड लगाएंगे, यानी कि दो बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है बल्ब के। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक वायर को डायरेक्टली पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा सेकंड वायर है, इसे हमें फिर से मल्टीमीटर की जो आउटपुट आ रही है माइनस की, वहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है, जिससे कि हमें दोनों बल्ब का एम्पियर पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे गाइज आप सभी देख सकते हैं लगभग 3 एम्पियर पूरे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं और वोल्टेज आप देख सकते हो 13.5 वोल्ट हमें मिल रहा है। और SMPS जैसे मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो SMPS हमारी ओरिजिनल वही SMPS है जो कि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर मॉडिफाई करके दिखाई थी। आप यहाँ पर पास से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडिफिकेशन जहाँ पर हमने करा था। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको उस वीडियो के अंदर मॉडिफिकेशन करके बताया था। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी SMPS की वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, कुछ वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट से उसे 14 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो एम्पियर हमारे डिक्रीज़ नहीं होंगे, या किसी केस में हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम एम्पियर वहाँ पर डिक्रीज़ होंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस भाई ने कमेंट करा था उसने अगर इस वीडियो को देख लिया है तो वो समझ गए होंगे कि हमारा जो अडेप्टर है वो मॉडिफाई करने के बाद कितने एम्पियर आउटपुट करेगा कितने वोल्ट पर। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन वोल्टेज में नहीं है, 14.5 वोल्ट कॉन्स्टेंट हमें मिल रहे हैं। और एम्पियर चेक करने के दौरान हमारे जो वोल्टेज हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहे थे, यानी कि जो हमारी एस एम्पियर्स है वो फुल्ली रेगुलेटेड सप्लाई हमें आउटपुट कर रही है। इसी प्रकार से और भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों आपके साथ एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।